गोंदिया जिले में सट्टे का कारोबार चरम पर पहुंच गया है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तिरुड़ा पुलिस ने सट्टे की खायवाली करने वाले सट्टा किंग और उसके गुर्गों को 16 स्मार्टफोन मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सट्टा लगवाता था। आरोपी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप नंबर पर सट्टे के आंकड़े स्वीकार करता था और उसके गुर्गे घूम घूम कर सट्टा लगाने के शौकीनों से खायवाली के आंकड़े इकट्ठे करते थे। यह सट्टे का खेल पिछले कई सालों से चल रहा था तथा सट्टा किंग यह पुलिस के रडार पर था। तिरुड़ा के शास्त्री वार्ड इलाके की पहली मंजिल से पकड़े गए आरोपी मनोहर और उसके गुर्गों के पास से राजधानी, कल्याण, कुबेर सहित अनेक सट्टा पट्टी के आंकड़े, लिखित पर्चियां, विभिन्न सट्टा पट्टी बुक तथा 6,53,900 रुपए की नकदी सहित 30 लाख रुपयों का साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया सट्टा किंग मनोहर यह बेहद शातिर तरीके से पूरा खेल संचालित करता था। उसके नेटवर्क को खंगालने और उसके गुर्गों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद पता चला है कि उसका नेटवर्क तिरोड़ा, तुमसर, भंडारा, साकोली, तिरुड़ी, बालाघाट हर तरफ फैला हुआ है। आसपास के गांवों का पूरा सट्टा रात को उसके घर में उतरता है। हालांकि आंकड़े मुंबई सहित बड़े शहरों से ही खुलते हैं, लेकिन यह सट्टा किंग कमीशन पर गुर्गों के जरिए आसपास के जिलों के पूरे इलाके के आंकड़े इकट्ठे करता था। सट्टा किंग ने अपने घर के चारों तरफ खुफिया कैमरे लगा रखे थे कि कोई रेड तो नहीं कर सकता। एक आदमी तो सिर्फ कैमरे मॉनिटरिंग देखने के लिए था। तिरुड़ा थाना पुलिस निरीक्षक योगेश पारधी अपनी टीम के साथ 26 अक्टूबर के रात गश्त लगा रहे थे। इस दौरान उन्हें गुप्त मुखबिर के माध्यम से पता चला कि शास्त्री वार्ड इलाके में मकान की पहली मंजिल पर सट्टा किंग मनोहर द्वारा मोबाइल फोन पर सट्टा पट्टी के आंकड़े स्वीकार कर सट्टा खिलाया जा रहा है। रात 9:45 पुलिस की टीम इलाके में पहुंची तो उसने देखा घर के सामने और आसपास निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे थे ताकि बाहर की हर हलचल पर भीतर बैठकर नजर रखी जा सके। जैसे तैसे पुलिस टीम दबे पाव घर की पहली मंजिल पर पहुंचने में कामयाब रही तो उसने देखा कि मोबाइल फोन पर सट्टे के आंकड़े स्वीकार कर जुआ खेला जा रहा है। पुलिस ने दबिश देते ही मनोहर 44 शास्त्री वार्ड, सुरेश 40 संत कंवर राम वार्ड, डेविड 27 आम्बेडकर वार्ड, संदीप 38 फुले वार्ड को दबोच लिया। पंच गवाहों के समक्ष मौकाए वारदात की तलाशी लेने पर नकदी 6,53,900 रुपए, आंकड़े स्वीकार करने में इस्तेमाल 16 मोबाइल हैंडसेट, कीमत 1,81,000, सीसीटीवी डिवाइडर, सीसीटीवी कैमरे और टीवी, 5 मोबाइल चार्जर, 3 कैलकुलेटर, 1 लकड़ी की मेज, टेबल, कुर्सी और 4 व्हीलर महंगी कार सहित 30,09,412 रुपए का माल जब्त करने में पुलिस को कामयाबी मिली। साथ ही अपराधियों के खिलाफ धारा 4-5 जुआ रोकथाम अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक योगेश पारधी के नेतृत्व में पुलिस हवलदार कवल पाल सिंह भाटिया, पुलिस सिपाही मुकेश थेर, पंकज सवालाखे, पुलिस सिपाही अख्तर शेख, इरफान शेख, प्रशांत कहालकर, महिला सिपाही नीतू सपाटे द्वारा की गई। तिरुड़ा पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दे, नाम गोपनीय रखा जाएगा। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।